हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी की बात करेंगे। जी हां, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करेंगे, इसकी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SAT सेशन 2021 और 2022 की बात करेंगे। जैसा कि इसका फॉर्म जो है 1 मार्च से फिलअप किया जा रहा है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी फिलअप कर चुका है और कुछ बच्चों ने अभी तक फिलअप नहीं किया है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फॉर्म को डिटेल में कैसे फिलअप करना है, उसको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आप हमको समझा दीजिए, बता दीजिए कि कैसे आपकी फ़ोटो को पेस्ट करना है, वहाँ पर लगाना है, सिग्नेचर को कैसे लगाना है, क्या है पूरा प्रोसेस, उसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो लेक्चर दे दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है www.bhuonline.in। क्या टाइप करना है? www.bhuonline.in। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है www.bhuonline.in2021। इस पर भी आप टाइप करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने वाली है। पहले आपको वेबसाइट पे जो आपका BHU लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU आपका लिखा रहेगा। इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन को ऊपर आपके राइट साइड में एक बटन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। जो एक डेस्कटॉप साइट का चेकबॉक्स आता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ से आपकी जो मोबाइल का व्यू हो जाएगा वो आपका डेस्कटॉप साइट भी हो जाएगा, जिससे आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो यह रहा BHU का ऑफिशियल वेबसाइट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म को सेंट्रल हिंदू स्कूल के फॉर्म को भरना है या आपके LKG नर्सरी और क्लास 1 के फॉर्म को फिलअप करना है। तो हम लोग क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं बेसिकली। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 6 के फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आपके इंग्लिश बुलेटिन दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन वाउचर दिया है SAT के रिगार्डिंग, उसको आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वहाँ से उसको आप रीड डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं यह आपका पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा वेलकम टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल और कुछ आपके डिटेल्स दिए रहेंगे जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको फॉर्म भरते समय email ID की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर स्टूडेंट की email ID है तो बेहतर है, नहीं है तो आप पेरेंट्स की email ID का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली उसमें भी बात नहीं है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके मोबाइल नंबर होने चाहिए और पासपोर्ट साइज स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए। डिस्क साइज आपकी 4.5 cm x 3.5 cm होनी चाहिए, जो आपकी 100 KB से आपकी कम होनी चाहिए। उसके साथ ही आपके कैंडिडेट और पेरेंट्स या गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए, जो आपकी 100 KB से कम होनी चाहिए। और पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और साथ में ई चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, जो आपका HDFC बैंक का आपका चालान होने वाला है। तो जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे और जिन बच्चों ने फॉर्म को पहले ही फिलअप कर दिया है और वो साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो हम नए हैं, फॉर्म को नए सिरे से फिलअप कर रहे हैं, तो हम लोग रजिस्टर्ड योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आपका पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ डिटेल आपको फिलअप करने पड़ेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने email ID को टाइप कर दिया, उसके बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड पूछा है। तो पासवर्ड में अपने हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको याद हो। पासवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको अपने से याद हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको जीमेल का पासवर्ड डालना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड जो डालना है वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार, जो भी इच्छा अनुसार, जो भी आपका याद हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। email ID और पासवर्ड सही भरिएगा और साथ में याद भी होने चाहिए पासवर्ड, और पासवर्ड जो है दोनों मैच भी होने चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका फिलअप नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद आपका स्टूडेंट एप्लीकेंट नेम में स्टूडेंट नेम आता है, यहाँ से आप भर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट नेम को फिलअप कर दिया। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से भरिएगा, थोड़ा ध्यान दे के भरिएगा। अगर गलत हो जाता है तो दिक्कत आती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैं यहाँ से फिलअप कर दे रहा हूँ,
तो उसको अपने आवश्यकता अनुसार जो भी आपके डेट ऑफ बर्थडे है बच्चे का यहाँ पे फिलअप कीजिए। नेक्स्ट वन, इसमें आपके सेक्स पूछ रहा है कि मेल है या फीमेल है, तो मेल है ना। है आपके फादर्स नेम, फादर्स नेम में आपको फिलअप करना है, फादर्स नेम में फिलअप कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद आपके मदर्स नेम फिलअप करना है, मदर्स नेम मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद आपका एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस में आपके जो भी आपके फुल एड्रेस है, जो आपके परमानेंट एड्रेस है, उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जो भी आपके परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा विथ आप पिन कोड के साथ। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पिन कोड भी आपको फिलअप करना है। जो भी आपके डिटेल्स है उसको यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे आपको ईमेल आईडी फिलअप करना है, जो आपका करेक्ट होना चाहिए ईमेल आईडी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और साथ में जीमेल का पासवर्ड भी आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपकी ईमेल वेरिफिकेशन जाएगा इस ईमेल पे। उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है। जो पासवर्ड होगा वह आपका जीमेल का नहीं होगा, यहाँ पे आप अपने याद अनुसार कुछ भी पासवर्ड को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट में स्टूडेंट नेम रहेगा, जिसमें आपके स्टूडेंट की पूरे नेम को आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा ध्यान से फिलअप करिएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको सेक्स को फिलअप करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और फुल एड्रेस आपको फिलअप करना है। एड्रेस को एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि कोई भी गलती तो नहीं है एड्रेस में, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो चेंजेस नहीं होते हैं। और देन उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को ध्यान से फिलअप करिएगा। जो भी आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जानकारी आएगी इसी मोबाइल नंबर पर आएगी। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो बैक टू लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो साइनअप पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक करेंगे एक कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा, जिसमें कन्फर्मेशन पूछेगा कि बच्चे का जो नाम है, ईमेल आईडी है, और साथ में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, सभी आपके डिटेल्स जो हैं करेक्ट हैं। तो अगर करेक्ट है तो कन्फर्म करिए, अगर चेंज करना है तो आप चेंज पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं वह आपके कन्फर्म हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। उसके बाद आप उसको अगर आपके चेंज करने होंगे तो चेंज पे क्लिक करिएगा, नहीं तो कन्फर्म पे क्लिक करिएगा। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, आपके एक मेल आएंगी कन्फर्मेशन की कि आपका रजिस्ट्रेशन जो हो गया है सक्सेसफुली, आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए। अब लॉगिन करने के लिए आप मेल पे जाइए, तो आपको जीमेल ओपन करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने जीमेल पहले से ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एप्लीकेशन के रिगार्डिंग मैसेज आ गया कि एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर BHU सेट एंट्रेंस टेस्ट 2021। जो आपके यहाँ पे एक्टिवेशन कोड आएगा उसको कॉपी कर लीजिएगा। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपके लिंक आएंगे, एक्टिवेशन लिंक, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज आपको ओपन होगा, जहाँ पे आपको एक्टिवेशन कोड यहाँ पे आपको पेस्ट करने रहेंगे या एक्टिवेशन कोड यहाँ पे आपको टाइप करने रहेंगे। जैसे ही आप एक्टिवेशन कोड टाइप करते हैं और सबमिट करते हैं, आपका फॉर्म पूरी तरीके से आपका सक्सेसफुल जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वह हो चुका है। अब हम लोग साइन इन पे क्लिक करते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के लिए सेम आपको ईमेल आईडी का यूज करना है, सेम ईमेल आईडी का यूज करिएगा। और उसके बाद आप पासवर्ड डालिएगा, जो भी आपने पासवर्ड चूज किया है यहाँ पे उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे, जो आपके स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख रहा है वेलकम टू चिराग आनंद, और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड शो कर रहा है, जिसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू फॉर्म, मेक पेमेंट और प्रिंट फॉर्म, यह सभी डिटेल आपको दिख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्लास 6 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपकी चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आपको काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको पढ़ने के बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद ऐड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। ऐड कोर्स पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका विंडो जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, पहले जेंडर को सेलेक्ट करना है। जेंडर को सेलेक्ट किया, उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद BHU एम्प्लॉय से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं करते हैं तो आपको नो करना है। उसके बाद अगर आप फिजिकल चैलेंज बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। और यहाँ पे कुछ आपके डिटेल्स दिए रहेंगे, उसको देख लीजिएगा। डिटेल्स देखने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करने रहेंगे। तो जो भी आपके परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिएगा। तो मैं फिलअप कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे आपको एड्रेस को फिलअप कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वही आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस है तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन एड्रेस में भी सेम आपका कॉपी टू परमानेंट एड्रेस ही कर दिया। यहाँ पे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट्स में अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बिहार, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो उत्तर प्रदेश, अगर आप किसी और जगह से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को फिलअप कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है तो पिन कोड को आप फिलअप कर दीजिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप डिटेल फिलअप करें पूरी तरीके से आप सही भरिएगा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको एक बार रीचेक करने के बाद ही आगे की प्रोसीजर को फुलफिल करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होंगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो भी डिटेल है एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद कॉपी टू परमानेंट एड्रेस कर दीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम है तो उसको आप कॉपी टू परमानेंट एड्रेस बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी डिटेल आप देख पा रहे हैं वो पूरी तरीके से मैंने फिलअप कर दिया है। और उसको फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जेंडर जो है सेलेक्ट हो गया। देन उसके बाद कैटेगरी पूछा जा रहा है, बेच एम्प्लॉय से वार्ड करते तो यस करना है, अगर आप फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं तो वहाँ पर यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और साथ में आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपके शो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख जाता है कि आपके 10 साल के हैं 2 मंथ और 25 दिन के आप हो जाएंगे। 30/9/2021 को आप 10 साल 2 मंथ और 25 दिन के हो जाएंगे। और जो भी डिटेल्स है उसको आप देख सकते हैं, उसको आप मिला लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे फोटो सिग्नेचर डिटेल है तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट की फोटो और साथ में उनके सिग्नेचर और साथ में गार्जियन के सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बार आपका प्रीव्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स और साथ में जो भी आपके डिटेल हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार चूज कर ले रहा हूँ, उसके बाद आपका जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रीव्यू हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स के सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है, जो आपके कैंडिडेट सिग्नेचर हैं उनके सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रीव्यू भी आ जा रहा है स्टूडेंट सिग्नेचर और साथ में आपके उनके पापा के सिग्नेचर के जो आपके प्रीव्यू रहेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए और साथ में फ़ोटो होना चाहिए उसकी साइज आपकी कम होनी चाहिए, तभी आपका सूटेबल होगा, नहीं तो दिक्कत आएंगी। यहाँ पे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। अपलोड करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका अपलोड सेक्शन पे मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे अपलोड होने के बाद आपकी कंफर्मेशन पूछेगा कि जो भी आपने डिटेल को यहाँ पे अपलोड किया वो पूरी तरीके से सही होना चाहिए। देन उसके बाद सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं पूरी तरीके से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म पूरी तरीके से देख रहे हैं आपका फिलअप हो गया। फॉर्म को फिलअप होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बेचू एम्प्लॉय अवार्ड नहीं है। ईमेल आईडी स्टूडेंट्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईमेल आईडी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अवेलेबल है और साथ में आपके मोबाइल नंबर भी अवेलेबल हैं। देन उसके बाद फिजिकल चैलेंज बच्चे हैं नहीं है। कैंडिडेट नेम में जो बच्चे का नाम हो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ में आपका जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है उसको आप चेक कर लीजिएगा, फादर्स नेम मदर्स नेम की स्पेलिंग, और साथ में आपका बच्चा जो है 30 सितंबर 2021 को कितने साल का हो जाएगा, यहाँ पे सभी डिटेल आपको दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस को आप मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। तो मैंने सभी डिटेल्स को आपको देख लिया है कि जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिलअप किया है वो पूरी तरीके से सही है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आई हैव कन्फर्म द एबव, जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल फिलअप किया है वो पूरी तरीके से कन्फर्मेशन हो चुका है। और साथ में जैसे आप पेमेंट करेंगे वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, तो पेमेंट को सबमिट करिएगा। इसके बाद तो जो भी डिटेल मैंने फिलअप किया है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। देन इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरी तरीके से सबमिट हो गया। इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपने डिटेल को फिलअप किया है वो पूरी तरीके से सही है। सही होने के बाद ही आप पेमेंट को कंप्लीट कराइएगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप
पेमेंट को मत करिएगा, देन उसके बाद नए फॉर्म को फिलअप करने के बाद ही पेमेंट करिएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार डिटेल को रिचेक कर लूँगा, उसके बाद ही पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करूँगा। पेमेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको पेमेंट को कंप्लीट करना है। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया है उसको यहाँ से प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद आप देख लीजिएगा कि जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है वह क्या करेक्ट है या नहीं है। तो जैसा कि मैं देख ले रहा हूँ कि सभी डिटेल आपका करेक्ट है, उसके बाद मैं पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा और किस कोर्स में आपने अप्लाई किया वह दिख जाएगा, और एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, कन्फर्म है। यहाँ पर पेमेंट आई डी नहीं शो करा है, जैसे पेमेंट को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर आपको पेमेंट आईडी शो होगा। तो यहाँ पे मैं मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि हमको पेमेंट करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, तो मैं मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हम पेमेंट को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि एसटीएससी और साथ में आपको 300 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, और अगर आप जनरल या ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो सेलेक्ट टू पे पे क्लिक करता हूं, और साथ में मैं कंटिन्यू टू ऑनलाइन पेमेंट, मैं ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करता हूं, मेरे को ऑनलाइन पेमेंट करना। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी पेबल अमाउंट है वो आपके 600 रुपीज़ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का पेमेंट है। जो आपके TDR लग रहा है वो आपका 12 रुपीज़ लग रहा है, तो टोटल पेमेंट आपका 612 रुपये आपके पे होंगे। तो यहाँ पे पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है अगर आप पेमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, देन उसके बाद जो भी आपको डिटेल है उसको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको UPI का माध्यम आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, और साथ में आपके क्रेडिट कार्ड EMI अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और उसके बाद जो है आप कार्ड का डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। कार्ड का डिटेल फिलअप करने के बाद जो भी आगे की प्रोसीजर होगी उसको आप फर्दर करते रहिएगा। जैसा कि मैं कार्ड का डिटेल फिलअप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट, कार्ड पे ही एक्सपायरी डेट आपकी प्रिंट रहती है, उसको यहाँ से डाल दीजिएगा। पीछे की तरफ कार्ड को जब आप देखेंगे तो पीछे की तरफ CVV नंबर रहता है, उसको भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद किस नेम से बैंक अकाउंट है या किसके नेम से कार्ड है उसको यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ अपना नाम, क्योंकि कि मेरे अकाउंट से बैंक आपके डिटेल सभी है। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पे OTP आएगा, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे उस पे आपके OTP आएगी पेमेंट कन्फर्मेशन के रिगार्डिंग। तो वहाँ से आपको 6 डिजिट का जो नंबर है उसको वहाँ से आपको डालना पड़ेगा, देन उसके बाद आपकी पेमेंट प्रोसीजर जो हो जाएगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जल्दी आपकी पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आपको OTP को फिलअप करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं OTP को यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ, और मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं आपका डिटेल, आपका पेमेंट रिसिप्ट कर लिया जाएगा, और फॉर्म की आपकी लोडिंग होगी जहाँ पे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल दिखेगा। उसके बाद ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी पेमेंट आईडी भी शो करने लगेगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपको पेमेंट को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपकी BHU UTPET पेमेंट पेज आपका वहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल बता दिया है। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जल्द इसके रिगार्डिंग आप देख पाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है बैक टू माय एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चले आएंगे। यहाँ पे आपको व्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही व्यू पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको पेमेंट आईडी नंबर यहाँ पे शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट आईडी नंबर शो करने लगा, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, वह आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो मैं इस फॉर्म को सेव कर ले रहा हूँ PDF के फॉर्म में, या प्रिंट भी कर लेता हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म भरने से लेके आपको प्रिंट करने तक का जो भी प्रोसेस है उसको मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे एक पेज आप डाल दीजिए कस्टम, नहीं तो एक पेज आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक पेज आपका डाल दे रहा हूँ। तो जैसे ही इस पर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपका जो है फॉर्म प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि प्रिंटर भी ऑन हो चुका है, और हम लोग फॉर्म को प्रिंट करते हैं। फॉर्म को प्रिंट करने के बाद आप प्रिंट हो गया, देन उसके बाद आप एक PDF के फॉर्म में भी फॉर्म को सेव कर लीजिए। यहाँ पे प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आप PDF के फॉर्म में चीज़ों को सेव कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फर्दर आपको कांटेक्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी डिटेल है वो आपको पता होना चाहिए। तो यह फॉर्म को मैं सेव भी कर ले रहा हूँ, सेव एज PDF यहाँ पे देख सकते हैं, और फॉर्म को हम लोग सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म जो है सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा तो यहाँ पे आप
किसी भी नेम से आप फॉर्म को सेव कर लीजिए, अपने नेम से सेव कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके ऑप्शन भी बढ़ जाएंगे, करेक्शन की भी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि आती है तो करेक्शन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप पेमेंट स्टेटस को देख सकते हैं और स्टेटस में आपको पता चल जाएगा कि पेमेंट आईडी यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। यहाँ से फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं, जो भी आपकी डिटेल है फर्दर उसको आप देख सकते हैं। तो यह था पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कैसे उसको प्रिंट करना है और साथ में कैसे आपको पेमेंट करना है, सभी डिटेल मैंने बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी हाँ, शेयर कीजिएगा। जो बच्चे फॉर्म को अच्छे फॉर्म में नहीं भर पा रहे वो भर ले अच्छे से, और साथ में फोटो और सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए वो थोड़ा कम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी फोटो सेव करने में। तो उसको यहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।